गाइस आज के वीडियो में बात करेंगे कि स्नोक वीडियो कैसे बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी फिलहाल आपने एक वीडियो में देखा होगा कि हमने किस प्रकार फोटो को एडिटिंग करके, वीडियो को एडिटिंग करके किस प्रकार हमने शर्ट के अंदर में एक वीडियो बनाया, बहुत ही परफेक्ट इसमें बनता है। और ऐसा वीडियो बनाने से लाइक पर डालिएगा या तो टिकटॉक पर तो बहुत ही सारे लाइक मिलते हैं। तो दोस्तों आप अगर इस प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हम ऐसे ही वीडियो रोज़ डालूँ और रोज़ आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन चला जाए। तो चले दोस्तों, तो वीडियो शुरू करता हूँ। तो मेरा नाम है पिंटू कुमार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों पहले आपको क्या करना होगा, काइन मास्टर को ओपन कर लेना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे काइन मास्टर को ओपन कर लेते हैं। चाहते हैं कि काइन मास्टर बिना बॉर्डर मार्क और लेयर में मीडिया का ऑप्शन कहाँ से आता है। तो दोस्तों इसका वीडियो हम एक अलग से बना हुआ है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उसमें जाकर आसानी से आप जाकर देख सकते हैं और बिना बॉर्डर मार्क का काइन मास्टर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना होगा। प्लस पे क्लिक करने के बाद 9.60 रेशियो को सेलेक्ट कर लेना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद आपको क्या करना होगा, पहले आप लाइक से या तो टिकटॉक से एक वीडियो डाउनलोड करना होगा। जो वीडियो आप बनाना चाहते हैं, जो वीडियो आप अपने शर्ट के अंदर रखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एक वीडियो डाउनलोड किए थे, उस वीडियो को यहाँ पे हम उसको निकाल लेते। तो पहले मीडियम जाना है, मीडियम जाने के बाद बैकग्राउंड एक कोई सा भी बैकग्राउंड आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बैकग्राउंड को 30 सेकेंड तक चूज कर लेना, जितना बड़ा आप वीडियो बनाना चाहते हैं। उसके बाद पहले आपको क्या करना होगा, लेयर पे जाना होगा। लेयर पे जाने के बाद आपको मीडिया पे क्लिक करना होगा। इस पे जाने के बाद आपको उस वीडियो को चुनना होगा जिस वीडियो में आप शर्ट के अंदर बनाना चाहते हैं। तो चले दोस्तों, हम यहाँ पर उस वीडियो को चुनते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पर इस वीडियो को ले लिया। तो चलिए हम यहाँ पे इस वीडियो को ले लिया। इसके बाद इसको हम चला कर देखते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर चलता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार हमारा ये वीडियो यहाँ पे चला। तो इसको हम साइज से अच्छे तरीके से सेलेक्ट सेट कर देते हैं। तो इस प्रकार हमने इसको खींचकर सेट कर दिया है। और इसमें आपको कुछ नहीं करना होगा, आप यहाँ पे इसको हटाकर यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देना होगा, मतलब इसको डाउनलोड कर लेना होगा। तो यहाँ पे ऐसे करके डाउनलोड हम कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा ये डाउनलोड हो चुका है प्रोजेक्ट, इसको डाउनलोड हम नहीं करेंगे, आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपल है, इससे आपको बाहर निकल जाना होगा। निकलने के बाद आपको फिर से 9.60 रेशियो को चूज कर लेना होगा। चूज करने के बाद आपको यहाँ पे मीडिया में जाना होगा और जिस वीडियो को एक्सपोर्ट किए हैं उस वीडियो को यहाँ पर आपको लेना होगा। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे इस वीडियो को एक्सपोर्ट किए हैं, ऐसे एक्सपोर्ट हम अभी दिखाएं दूसरा वीडियो को, इस वीडियो को लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे दूसरा वीडियो ले लिए हैं, एक अच्छा वाला वीडियो ले लें जिसमें देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। इसके बाद आपको फिर क्या करना होगा दोस्तों, पहले आपको एक वीडियो बनाना होगा और एक उसमें एक्टिंग करना होगा उस प्रकार के जिस प्रकार आप सच में आपका मतलब कुछ एक्टिंग करना होगा ग्रीन स्क्रीन में। तो चलिए हम यहाँ पे एक ग्रीन ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ग्रीन ले लिया, और ग्रीन नहीं अपना वीडियो ले लिया। तो चलिए हम इसको यहाँ से साइज से सेट कर देते हैं। इसके बाद हम अपना वीडियो को चलाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले इसका वॉल्यूम बंद कर देते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार एक्टिंग किया। और इसके अंदर हम ग्रीन कपड़ा पहने हुए हैं जिससे कि इसमें आसानी से फ़ोटो सेट हो जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने ग्रीन कपड़ा यहाँ पे सेट कर लिया अंदर। अगर आपके पास टी शर्ट ग्रीन कलर का है तो आसानी से बन जाएगा, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ब्लू कलर या रेड कलर को टी शर्ट पहन लेना होगा या तो शर्ट, और वहाँ पे कलर सेलेक्ट करके आसानी से बन जाएगा। तो दोस्तों आप ध्यान से अगला स्टेप भी देखिएगा, मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा। तो क्या करना होगा, फिर उसके बाद आपको सिंपल है, आपको यहाँ पे ऐसे कर देना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको काट लेना है, मतलब जो फालतू का पार्ट है उसको काट लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको यहाँ से काट लेते हैं एक्स्ट्रा पार्ट को, किस प्रकार करता है मैं भी आपको बताएंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पे सही है, इसके बाद इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे कैंची वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे अगर इधर से काटना होगा लेफ्ट से, तो यहाँ से इसको लेफ्ट से काट देना है।
अगर अगर आपको यहाँ से अगर पीछे से अगर आपको काटना हो तो पीछे से की तरफ से ऐसे करके पीछे की तरफ से यहाँ से यहाँ पर राइट पे क्लिक करके पीछे से ये कट जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमको उतना काम नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आसानी से आपको पहले यहाँ पे इसको क्लिक कर लेना होगा। क्लिक करने के बाद फिर इस पर फोटो अपने वीडियो पे क्लिक करके यहाँ पे क्रोमा की पे जाकर आपको यहाँ पे इनेबल कर लेना होगा। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, यहाँ पे आपको ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे जाने के बाद इसमें कलर आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे कलर को सेलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद चलिए हम यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि इस पर ऐसा करके इसके बाद क्या करना होगा कि आप इस वाले पहले वीडियो में आप जाके यहाँ पे दोनों को मिला देना इस वीडियो को। उसके बाद जो पीछे वाला वीडियो है ये आपका छोटा हो जाएगा, मतलब शर्ट के साइज से जो ग्रीन का स्क्रीन है उस साइज से ये बन जाएगा। तो चलिए हम इसको यहाँ पे इस तरह कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हो गया है। इसके बाद फिर मैं देखता हूँ कि बना है कि नहीं बना है। तो चलिए देखता हूँ। तो दोस्तों अभी तक तो नहीं बना है, पर फिर से आपको क्रोमा के पे जाना होगा। आ जाने के बाद यहाँ पे इसको इनेबल कर देना है, मतलब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे रेड है, इसको हम क्या करेंगे, हरा करेंगे। मतलब हमको जिस टाइप का टीशर्ट या तो कुछ भी पहने हुए उस टाइप का यहाँ पे रंग सेलेक्ट कर लेना, कलर सेलेक्ट कर लेना होगा। अगर आपका रेड होगा तो आप सिंपल रेड में जाकर वहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हमको यहाँ पे सेट हो गया है। इसके बाद आप यहाँ पे तो यहाँ पे चलिए सिंपल ऐसे यहाँ पे ये कर लिए हैं। इसके बाद इसको ये चलिए तो यहाँ पे ये हो गया। और इसके बाद फिर मैं तो चलिए यहाँ पे अब देख लेते हैं कि कैसा बना है। तो इसका हम वॉल्यूम आगे ऑन कर देते हैं ताकि आपको देखने में कुछ अच्छा लगे। तो चलिए तो दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहे हैं दोस्तों। और हम अच्छे तरीके से जितना आप यहाँ पे क्या बोलता है क्रोमा के पे जितना अच्छा तरीके से एडिंग करेंगे उतना अच्छा तरीके से यहाँ पे आपको बन जाएगा। तो चलिए हम इसको क्रोमा के पे अच्छे तरीके से आप कर लीजिएगा, ठीक है। आप क्रोमा के पे अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ऐसे करने इसमें जाने से क्या होता है कि आपका जितना भी ग्रीन होगा वो हट जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे इफेक्ट बहुत ही अच्छा तरीका से लग रहा था। दोस्तों इसके बाद आपको कुछ इसमें अलग ही इफेक्ट देना है, क्योंकि ऐसा वीडियो बहुत बन चुका है। तो इसमें कुछ अलग इफेक्ट देने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको ग्रीन इफेक्ट डाउनलोड हमारे डिस्क्रिप्शन से जाकर वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पर मिल जाएगा ग्रीन इफेक्ट। इसके बाद आपको वहाँ पर चले जाना है। चले जाने के बाद आपको फिर उस ग्रीन इफेक्ट को यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं। तो हमारा कहाँ क्या ग्रीन स्क्रीन, तो ये रहा हमारा। और यहाँ पे हम अच्छा तरीका से इफेक्ट डाल देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इसको डाल दिए हैं। तो डाल दिए। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे इस तरीका से आपको सेलेक्ट कर लेना होगा और इसमें क्रोमा के पे चले जाना होगा। क्रोमा के पे इनेबल करके फिर आपको इसमें भी आपको यहाँ पे सेट कर लेनी होगी, क्योंकि फिर समझ में इसमें आप अच्छा से सेट नहीं करेंगे तो फिर आपको इसमें दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे फिर से शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों इसमें भी म्यूजिक है, तो इस म्यूजिक को हम मोड कर देते हैं ताकि अच्छा लगे। तो चलिए इसके बाद फिर हम ओपन कर लेते हैं। तो
दोस्तों इस प्रकार वीडियो बन चुका है, आपका वीडियो तैयार हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आया होगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक।